एक सेकंड मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, और अब फिर तुम्हारी तलवार और क्वेश्चंस और मेरी तीर और कमान। हैंडल स्टार्ट। सर एक मिनट सर, हाँ ठीक है। वरना नाम क्यों याद रहता है मुझे जब वही नहीं आता। कौन थी उपासना, किसकी ग्रुप में थी, कौन थी? क्या पता कौन थी। हाँ करते हैं। शो का कॉन्सेप्ट बहुत अलग सा है और आप कैप्टन हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस शो का? सो मेरा एज एन अ कैप्टन एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो का पार्ट बन के। किसको अच्छा लगेगा लाइफ में पहली बार आपको चांस मिले कैप्टन बनने का शो का, तो मुझे बहुत पसंद आया ये। और शो का कॉन्सेप्ट अलग है। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग लड़के लड़कियों का एक ट्रायो है। बेसिकली जितने भी रियलिटी शोज़ बनते हैं, जितने भी शोज़ बनते हैं, या तो उसमें आप इंडिविजुअली खड़े होते हो या फिर एक लड़का और एक लड़की होता है। इस शो के अंदर डिफरेंट बेसिकली ये है कि हमने एक लड़के के कन्फ्यूज़न को सॉर्ट करते हुए उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसको यहाँ पर बुलाया है, और एक प्रेजेंट जिसके साथ अभी वो है उसको बुलाया, बिकॉज कहीं ना कहीं लड़का कन्फ्यूज़ है दोनों के बीच में कि विच इज़ द परफेक्ट फॉर मी, कौन सी ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ में आगे रह सकता हूँ कंटिन्यू। सो इन कन्फ्यूजन्स को बेसिकली देखते हुए इस शो का क्रिएटिवली प्लान किया गया और इस शो को एग्जीक्यूट किया गया। ये शो जब आया था तो क्या माइंड में क्या चल रहा था सबसे पहले, क्योंकि एम टी वी जो जब भी शो बना था कुछ हट के होता है, जब तो फिर एम टी वी नोटिस लीजिए या तो ये शो लीजिए, तो क्या करना चाहेंगे इसके बारे में सर? सो देखिए बेसिकली मेरे यहाँ तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इसलिए था बिकॉज आई एम एज अ कैप्टन ऑफ दिस शो मैं प्ले करने वाला था, और फर्स्ट टाइम मुझे पब्लिक को ये दिखाने को मौका मिल रहा था कि आई एम नॉट ओनली अ कंटेस्टेंट, आई कैन लाइक प्रूव यू एज अ मेंटोर ऑल्सो ऑफ द शो कि मैं कैसे अपने आप को दिखा सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा चांस था यार। इसके नीचे ना माइक है इसका, उसमें आ जाएगा वो। हाँ माइक, ये माइक होता है, इधर होता है माइक, इधर देख। मैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, कैप्टन बना दिया इन्होंने। सो बेसिकली मेरे को एक्साइटमेंट था अपने कैप्टन होने का, और साथ में कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था जहाँ पे मुझे मज़ा ये आने वाला था। मैं सोचता था कि मुझे चांस मिलेगा एक्स को ये समझाने का कि छोड़ दो साले को अगर तेरे साथ में वो कंटिन्यू नहीं रह सकता तो, और प्रेजेंट को ये कहने का मौका मिलेगा कि आप भी सोच समझ के जाओ, जब पिछली वाली लड़की को छोड़ के जा सकता था तुम्हारे साथ रहेगा नहीं रहेगा क्या भरोसा है। सो और एक लड़के के अंदर भी अगर ऑनेस्टी है कि वो सीरियसली कन्फ्यूज है, वो क्लियर ही कह रहा है कि मुझे इसकी आंखें अच्छी लगती हैं, इसके बाल अच्छे लगते हैं, इसकी शक्ल अच्छी लगती है, इसका नेचर अच्छा लगता है, तो यार जब 90s में जब शाहरुख खान ने ऐसे कहा था तो हम सब लोगों ने तो उस फिल्म को DDLJ को गले से लगा लिया था, तो क्यों ना इस शो और कॉन्सेप्ट को भी लगाया जाए। तो मेरे को ये चीज़ सोच के लगा कि अगर इस शो को करते हैं तो बहुत मजे आने वाले। सर मैंने शो को जिया है पूरे तरीके से, और हर एपिसोड मेरे लिए तो आप ये देख लो कि मतलब मेरी मम्मी कल तक मुझसे ऐसे कहा करती थी कि उसके लिए सारे बच्चे समान होते हैं और सब बराबर होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बट मैं अगर अपने सारे एपिसोड्स को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर से वैसी की वैसी फीलिंग आ रही, मेरे सारे एपिसोड मेरे लिए इक्वलेंटली वैल्यू रखते हैं। बट हाँ, जब फर्स्ट एलिमिनेशन वाला एपिसोड आया था तो मैं थोड़ा टची हो गया था, इसलिए मैंने उस दिन रात को लाइव जा करके 8-10 बार अपने जिस कंटेस्टेंट, पहला कंटेस्टेंट ही मेरा बार हुआ था, वो बेसिकली राजस्थान से भी बिलोंग करता था, यूडी युधिष्ठिर नाम था उसका, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी लाइव आकर के कहा था कि तू डोंट वरी, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, और ही वाज अ ऑनेस्ट गाय ऑफ द शो। बट जो क्लेवरनेस चाहिए होती है, जो दिमाग चाहिए होता है, जो शातिर बने चाहिए होते हैं, उस लड़के में थोड़ी सी उस चीज़ की मिसिंग थी। हम राजस्थानी सीधे ही होते हैं वैसे भी सर, तो कोई कोई एकाधा कोई तेज निकलता है तो निकलता है, तो बेचारा वो सीधा था, तो उसका वो शिकार बना। ओके, शो में एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड दोनों साथ में, तो कुछ धमाके वाली कुछ चीज़ हुई थी? सर वहाँ हर सेकंड और हर मिनट पे धमाके हो रहे थे। शो के जब हम शूट कर रहे थे तब तो धमाके हो ही रहे थे, शो के बिना भी हो रहे थे। रात को 2-2, 3-3 बजे लड़के लड़कियों को अलग करने छुड़ाने जाना पड़ता था, आपस में इतने झगड़े रहते थे इनके। सो रियलिटी में एक विनर बनने वाला है, हर शो रियलिटी का एक बेस होता है कि विनर एक बनने वाला है, तो जो वो एक जस्तोजात होती है, वो एक जो लड़ाई होती है, वो एक जो इंटरनल स्प्रिट होती है आदमी की अपने आप को दिखाने की, वो बहुत देखने की चीज़ होती है। रियलिटीज़ को जीना अपने आप में एक अरसे की तरह होता है। इन 27 दिनों के एक्सपीरियंस को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आई हैड स्पेंट 270 डेज, आई कैन से। सर देखा जाए तो फिर कभी किसी रोल को, किसी कैरेक्टर को अपने से रिलेट कर पाए आप? समझा नहीं, अपने आप से? हाँ सर, मैं अपने आप से अगर रिलेट करता हूँ तो उन 27 बच्चों में से कहीं ना कहीं कुछ कुछ मेरे अंदर था ही था। बट हाँ, किसी एक को अगर मैं एग्जैक्टली कहता हूँ तो नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा दूसरा मुझे मिले जो मनु हो, बट हाँ नहीं, बट सब में थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग थी, मिक्स थे। कहीं पर किसी लड़के का एटीट्यूड मुझ जैसा था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था एक लड़के, भरत नाम के लड़के में। कहीं पर एक लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, हाँ भरत वॉज इसका, ये एक्स थी उसकी। और कहीं पर किसी लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था रबदीप जैसे में, जो उसको लगता था कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो वो मेरा कहीं मुझे अपनी झलक दिखाता था। तो ऐसे हर लड़के में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, सो दिखता था कि हाँ कुछ सीखने को भी मिल सकता है और कुछ दिखाने को मिल सकता है।
कभी कोई बंदा कंफ्यूज हुआ कि मेरी एक्सिस सही थी प्रेजेंट को लेके, आपके शो को देख, आपके शो में आने के बाद कुछ सच्चाई है क्योंकि इसमें बाहर आती है देखा जाए तो? सर सच्चाइयाँ यहाँ तक भी बाहर आती हुई दिखी कि लोग रो रहे थे, लोग लड़ रहे थे, लोग मर रहे थे आपस में एक दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं ये निशानी एक सच्चाई की होती है। और अगर अपने प्यार के लिए अगर आप ये लड़ते हो झगड़ते हो, सो मैं चला जाऊँगा फ्रेम से, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे जो आप चाहते हो ना। हो गया है मेरा, मेरा हो गया, मेरे से एक आधा सवाल और पूछेंगे फिर करो ना 15 मिनट और। सो हाँ, सो कहीं पर प्यार मोहब्बत, बंद करो ना इसको प्लीज़, आवाज़ आएगी। सो कहीं पर प्यार मोहब्बत फ्रेंडशिप जस्तोजात होती भी दिखी थी, एंड आई मस्ट से कि मैं चाहूँगा व्यूवर्स को प्लीज़ इस शो का हिस्सा बनो और इसके साथ जुड़ो और इसको देखो। फाइनली एक जो विनर निकलने वाला है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऑनेस्टली लगेगा कि यार वो विनर बनना चाहिए था, या फिर अगर आपका विनर विनर जो आपको लगता है वो नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं आपको झलक दिखेगी कि यार काश थोड़ा सा इसने ऐसा या वैसा किया होता तो वो बनता। बिग बॉस की बात करें सर, आप 10 के विनर रह चुके हैं, आप इस पर कितना डिपेंड लगा था आपको? सी बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शो को करना, एक उसका हिस्सा बन के करना, मतलब उसके अंदर आप उतने मॉनिटरिंगली नहीं अपने बारे में सोच पाते हो। पर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि 105 दिन तक आप खुद के मालिक खुद होते हो, खुद ही ऑनर होते हो, अपने अकॉर्डिंगली चलते हो, दे पीपल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट और सजेशंस कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, बिग बॉस इज प्लेइंग अ आई कैन से अ मेंटोर रोल कि लाइक आप कभी बहुत ज़्यादा गलत जा रहे होते हो तो आपको वो ये जरूर समझाते हैं कि देखो आप इस जगह से गलत जा रहे हो, आप अगर ऐसा करते हो तो आपके लिए दुनिया क्या सोचेगी, ये उनका सजेशन जरूर होता है। लाइक हम जैसे मान लो एक एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने एक बार जेल तोड़ दिया था, मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा जेल के अंदर, और मैंने कहा था बाहर निकालो मुझे शो से, मुझे नहीं करना, तो कहीं पर उन्होंने मुझे समझाया था कि आप अपनी इमेज क्या रिवील कर रहे हो पब्लिक के सामने। स्वामी ओम को एक बार पीटने चला गया था मैं, मोना के लिए मैंने शायद कोई पक्ष ले लिया होगा, मनवीर को जिताने के लिए हमने कुछ अच्छा बुरा कर लिया होगा, तो उन सारी सिचुएशंस में देखने को और समझने को मिलता था, बहुत कुछ मैं सीख कर आया था और वो मैंने शो में थोड़ा बहुत देने की कोशिश भी की। बिग बॉस के बाद नॉर्मली सभी की लाइफ डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, कितना चेंज हुआ आपके लाइफ में? सर मैं बहुत बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि सीरियसली एक आम आदमी में, अब मैं अपने आप को अगर नहीं काउंट करता हूँ तो मैं शायद गलत नहीं सोचूंगा, ये सिर्फ ऑडियंस का प्यार, ये लोगों की मोहब्बत, ये लोगों का इतना करेज कि उन्होंने यहाँ ला करके बिठा दिया और लाइफ रियली गाइस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। रात को 3 बजे भी अगर मैं रास्ते पे कहीं अकेला चल रहा होता हूँ और कोई फैमिली सामने से निकलती है तो वो आपको देख करके आपसे बात करती है, आपसे अच्छे से बोलती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैंने इस शो में शायद 10, 20, 50, 100, 500 नहीं, शायद करोड़ों फैमिलीज अपने लिए बनाई हैं जो हमारे लिए मोहब्बत करती हैं, हमसे प्यार करती हैं और हमारे लिए अच्छा सोचती हैं, सोचती हैं। और स्पेशली आई मस्ट से थैंक्स टू बिग बॉस टीम कि आप लोगों ने इतना टैलेंटेड लड़का बाहर लाया। बिग बॉस की बात करें और सलमान खान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, रेस 3 भी आने वाला, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लगा ट्रेलर आपको? सर मैं सलमान सर के बारे में ये बात कहूँगा कि जैसे राम भक्त हनुमान होता है वैसे मैं सलमान भक्त हूँ, और बचपन से लाइक जब उसने उन्होंने आ, आ जाने जाना में अपना शर्ट उतारा था तब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। और सलमान खान इज़ अ लाइक जेम ऑफ अ पर्सन, जो करते हैं दिल से करते हैं, साफ बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनकी बात किसी को कम ज़्यादा भी समझ में आए तो उनको चलता है, बिकॉज ही इज अ रियल एंड ऑनेस्ट गाय एंड आई एम फॉलोइंग हिम कि लाइक उनके पाथ पे चल, उनके पाथ पे पूरा नहीं चलूँ पर उनकी तरह करने की कोशिश करूँ, एक्टिंग उनकी तरह करूँ, बिहेव उनकी तरह करूँ, क्योंकि आप कभी भी किसी रियलिटी शो को देखोगे तो सामने वाला आदमी ऐसे आपसे ऐसे बात करना शुरू करेगा, हाँ हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मैं मनु पंजाबी आपके सामने आपका होस्ट आपका दोस्त, और आज हम आपके सामने लेके आने वाले, इस तरह से सलमान खान बिल्कुल बात नहीं करता। सो लाइक ये मेरा भी हो रहा नहीं है बात करने का, हम नेचुरली और ऑनेस्टली बात कर रहे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है या ये पढ़ लिख के बोल रहा है। अगर किसी ब्रांड का भी प्रमोशन करना होगा तो वो कुछ ऐसे कर रहे होंगे, सो मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स दिस इज बिग बॉस सीजन 11, सो मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हाँ ब्रांड है उसको प्रमोट कर रहा हूँ लेकिन मैं मेरे तरीके से कर रहा हूँ, ही इज नॉट शोइंग यू के लाइक वो किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सो ये उनकी एक ऑनेस्टी है। और रेस के ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो जिस रेस के अंदर उन्होंने इस बार हिस्सा लिया है उस रेस के खिलाड़ी तो एक्चुअली वही है, सो सलमान खान इज द किंग ऑफ द रिंग, सिकंदर है वो, तो ही इज अ रियल सिकंदर ऑफ बॉलीवुड आई मस्ट से। इसके अलावा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोग दोनों का देखा जाए के साथ में काम करने का? बहुत अच्छा था और मैंने पहली बार रियलिटी शो किया और मेरा कोई वो भी नहीं था कि मुझे शो करना है, बट मुझे ऐसा मौका मिला कि मतलब लव लाइफ को आप वहाँ जाके कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा था। और फाइनली मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गई थी तो बहुत अच्छे दिन भी रहे, बुरे दिन भी रहे, वर्स्ट फीलिंग भी रही, और जब मुझे ये पता चला कि वो मुझे छोड़ने वाला है या फिर मुझे छोड़ रहा है तो बहुत बुरा लगा।
नहीं लगा ठीक है नहीं लगा इसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा इसने सिर्फ डायलॉग मारा है आते को वेलकम जाते को भीड़ कम ऑब्वियसली अब किसी के लिए लाइफ रुकती तो नहीं है तो दैट्स इट और आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा हुआ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज़ पूरे इंडिया के अलग-अलग जगह से अलग-अलग लोग जिनको मैं नहीं जानती उनके साथ मैंने 25 दिन बिताए हैं और मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरे साथ में एक और लड़की है हनी जिसका नाम है भरत की वो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है शो में क्या होने वाला है हमारे टास्क जो है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी रियलिटी शोज की उससे बहुत डिफरेंट है एंड चीज़ें ये है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे जितने भी हम लोग 100-200 लोग थे जितने भी क्रू मेम्बर्स थे एंड कंटेस्टेंट थे सर लोग थे सब लोग साथ में बहुत अच्छे से थे कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं ऊपर या नीचे नॉल शेप बहुत अच्छे से सब लोग साथ में खाना खाते थे साथ में मस्ती करते थे सोचा हुआ तो उसने बहुत कुछ था अभी बोल नहीं थी क्या एक्चुअली हमने सर के साथ बहुत मस्ती की है पार्टी की है रात में हम 2-2 बजे शूट के बाद सर के रूम पे जाके बता ये लोग कुछ और छाप देते हैं 2-2 बजे के बाद क्या आगे बताऊं इनको मतलब हमने बहुत गाने बजा के हमको अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की इन्होंने बहुत गंद मचाया इन्होंने बहुत मस्तियां करी इन बच्चों ने इनके अगर रूम्स में अगर आप लोग जाके देखते हैं हाँ, इतना मेस गंद तो हमारे रूम में ही मचता था वो एक्चुअली हमारा रूम मुझे अभी भी याद है हम रूम पार्टनर्स थे 203 फेमस था लेट उठना लेट आना और सारे लड़के महफिल जमी रहती थी वहां पे गंद लड़ाइयां झगड़े वहीं पे चलते रहते थे गॉसिपिंग बैक बिचिंग यही चलती रहती थी हमारे कमरे में फाइनली सर क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए सर फैंस नहीं मैं इनको फ्रेंड्स कहूंगा थैंक यू दोस्तों आपने अपने अंदर से कहीं पे एक अपने जैसा ही बंदा चुना होगा कहीं पे कुछ क्वालिटी मैच होता हुआ कहीं पे कुछ क्वालिटी मैच होता हुआ सो आप लोगों ने मुझे इस जगह पे ला करके बिठाया सो वेरी 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 थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट और लव यू गाइज मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आप लोगों से और सीरियसली बता रहा हूँ ना मेरी कोई बूढ़ी बहन है ना अंधी माँ है ना कोई गरीब गाय है मेरे पास में जिसको मुझे कुछ डिलीवर्ड करना है कुछ किसी के लिए सोचना है मुझे मैं सिर्फ ऑनेस्टली आप लोगों के लिए और खुद के लिए जी रहा हूँ मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैं सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी हूँ और आप लोग मेरी एसेट्स हो सो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली लाइफ में अगर कुछ करना हो और कुछ करने के लिए अच्छा बुरा भी छोटा मोटा करना पड़े तो पेरेंट्स को समझाओ रिक्वेस्ट करो छोटा मोटा झूठ भी उनसे बोलो बट लाइफ में कुछ करके दिखाओ कि दुनिया को लगे कि यार मकसद पूरा हुआ मैंने मेरी औलाद को पैदा किया और उसने दुनिया को कुछ करके दिखाया सो अपने ड्रीम्स के लिए अपने सपनों के लिए भागना दौड़ना कोई गलत बात नहीं होती और कुछ कर दिखाने के बाद में वो जो आपके आलोचक होंगे जो आपको कम ज़्यादा पसंद करते होंगे सब आपको नमस्कार करेंगे सल्यूट मारेंगे और भीड़ में आपके साथ खड़े होंगे लव यू गाइस थैंक यू सर थैंक यू